हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल टेक व्यास पर। दोस्तों, मैं व्यास मुनि सिंह। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम में क्या अंतर है? तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में अंतर के बारे में बताया था, अगर आप लोग अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम। रैम, द फुल नेम ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम, द फुल नेम ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। दूसरा, रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है तथा रोम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम इज ए रीड राइट मेमोरी, दैट मीन्स बोथ कैन रीड एंड राइट डाटा इन रैम। रैम एक रीड एंड राइट मेमोरी होती है, अर्थात रैम में डाटा को लिख एवं पढ़ दोनों कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं एंड मिटा भी सकते हैं। एंड रोम इज ए रीड ओनली मेमोरी, दैट मीन्स ओनली यू कैन रीड एंड स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट। रैम एक रीड ओनली मेमोरी होता है, अर्थात इसमें स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन को केवल पढ़ सकते हैं। चौथा, रैम इज यूज्ड टू रन टू प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम का उपयोग प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए किया जाता है, जबकि रोम स्टोर द सिस्टम बूटिंग प्रोग्राम। जबकि रोम में सिस्टम बूटिंग प्रोग्राम स्टोर होता है। पांचवा, द वर्किंग स्पीड ऑफ रैम मेमोरी इज फास्ट। रैम मेमोरी की कार्य करने की जो स्पीड होती है वो बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है, जबकि रोम मेमोरी इज स्लोअर देन रैम। जबकि रोम मेमोरी रैम की तुलना में बहुत स्लो होती है। एंड नेक्स्ट, इन रैम ऑल टाइप ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर ऑन टेम्पररी बेस। रैम में सभी प्रकार के डाटा व इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी बेस पे स्टोर किया जाता है, जबकि इन रोम डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर ऑन ए परमानेंट बेस। जबकि रोम में डाटा व इंस्ट्रक्शन अस्थाई मीन्स परमानेंट बेस पर स्टोर होता है। एंड द साइज ऑफ रैम कैन बी इंक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। आवश्यकता के अनुसार रैम की साइज को हम बढ़ा सकते हैं, बट रोम साइज इज फिक्स। जबकि रोम की साइज फिक्स होती है, उससे हम बढ़ा नहीं सकते हैं। एंड डाटा स्टोर इन रैम कैन बी मॉडिफाइड। रैम में स्टोर डाटा को मॉडिफाई किया जा सकता है, जबकि डाटा स्टोर इन रैम कैन नॉट बी मॉडिफाई। जबकि रोम में स्टोर डाटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। रैम इज कॉस्टली देन रोम। रैम रोम की तुलना में महंगी होती है, जबकि रोम इन चीपर देन रैम। जबकि रोम रैम की तुलना में सस्ती होती है। टाइप्स ऑफ रैम। रैम दो प्रकार के होते हैं, यस रैम, डी रैम। टाइप्स ऑफ रोम। रोम तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम,
EPROM एंड EEPROM। तो दोस्तों अगर आपको टाइप्स ऑफ रैम टाइप्स ऑफ रोम के बारे में डिटेल्स में जानना है तो हमारे मेमोरी वाली वीडियो आपको देखना पड़ेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप रैम के टाइप्स एस रैम और डी रैम के बारे में डिटेल से जान सकते हैं, रोम के भी प्रकार के बारे में जैसे पी रोम ईपी रोम ईईपी रोम के बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं, उसमें मेमोरी के सारे प्रकार के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।